हेलो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हमारा स्टैंडर्ड इलेवेंथ का फिजिक्स चैप्टर नंबर वन फिजिकल वर्ल्ड स्टूडेंट फिजिकल वर्ल्ड ये चैप्टर चैप्टर नंबर वन आपको सिर्फ इतना ही बताने वाला है कि फिजिक्स क्या है और फिजिक्स में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है ये पूरा चैप्टर वैसे तो बहुत ही सिंपल है इजी है एग्जाम ओरिएंटेड इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट यस yes, ये चैप्टर पढ़ने से आपके अंदर का जो इंटरेस्ट है कि फिजिक्स क्या है वो आपको ये चैप्टर बता देगा सो दिस चैप्टर इज गोइंग टू क्रिएट इंटरेस्ट इन योर माइंड क्योंकि अगर स्टूडेंट आपको कोई स्टोरी के बारे में थोड़ा थोड़ा पता हो ना कि हमें ये 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 चीज़ें पढ़नी है इसमें किसी मूवी का आपने ट्रेलर देखा हो ना तो मूवी देखने की इच्छा और हो जाती है मूवी और अच्छे से हम देखने की क्षमता रखते हैं हम हमार, हमारी विश होती है कि मैं ये मूवी देखूं तो अगर ये जो चैप्टर नंबर वन इसके अंदर आप ध्यान से फोकस करोगे तो आपका फिजिक्स के अंदर का इंटरेस्ट बाहर निकल के आएगा क्योंकि फिजिक्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर अ साइंस स्टूडेंट तो स्टूडेंट ऐसा कहा जाता है दैट फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स इज द क्वीन फिजिक्स और मैथ्स ये इंटर रिलेटेड है भले ही आप बायो के स्टूडेंट हो या मैथ्स के स्टूडेंट हो आपका फिजिक्स और मैथ्स से बहुत ही ज़्यादा रिलेशन uh, होने वाला है आपका इन्हीं के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड होने वाला है दोनों ही स्टैंडर्ड्स के अंदर क्योंकि फिजिक्स इसके बिना आप साइंस पढ़ ही नहीं सकते हो साइंस का किंग है मेन एलिमेंट है फिजिक्स और फिजिक्स पढ़ने के लिए एक जो हथियार है फिजिक्स पढ़ने का एक जो इंस्ट्रूमेंट है वो है मैक्स कि मैक्स क्वीन है और फिजिक्स जो है वो किंग है दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है फिजिक्स पढ़ना है तो मैथ्स आना बहुत ही जरूरी है सो so स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर वन फिजिकल वर्ल्ड अच्छा स्टूडेंट ये जो चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड इसकी आप थीम समझ लो कि चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है तीन पोर्शन में चैप्टर है पहले हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स किसे कहते हैं फिजिक्स की डिफाइन क्या है व्हाट इज फिजिक्स सेकंड पोर्शन में हम पढ़ेंगे स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स फर्स्ट पोर्शन में क्या पढ़ेंगे कि फिजिक्स क्या है सेकेंड पोर्शन में क्या पढ़ेंगे कि अच्छा फिजिक्स के अंदर कौन से कौन से चैप्टर्स है कौन सी कौन सी थियोरीज है कौन से कौन से चीजें हमें पढ़नी है सो सेकेंड पोर्शन विल बी स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स और जो थर्ड पोर्शन होगा उसमें हम पढ़ेंगे फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके एग्जाम के लिए तो तीन टुकड़ों में हमने डिवाइड कर दिया फर्स्ट पोर्शन पढ़ेंगे हम व्हाट इज फिजिक्स सेकेंड पोर्शन हम पढ़ने वाले हैं स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स और थर्ड इंपॉर्टेंट पोर्शन होगा फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर आज के इस लेक्चर में हम पहले दो पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे और जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम लेंगे फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर सो लेट स्टार्ट विद द वर्ड फिजिक्स के फिजिक्स क्या है तो स्टूडेंट फर्स्ट थिंग यू नीड टू नो साइंस किसे कहते हैं तो साइंस इज वॉट साइंस इज ओनली सिंपल मीनिंग ऑफ साइंस इज़ नॉलेज टू नो समथिंग, कोई चीज जानना पढ़ना उसी को हम कहते हैं साइंस एंड वॉट इज फिजिक्स नॉलेज अबाउट नेचर वॉट इज फिजिक्स नॉलेज अबाउट नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स कि भाई आपके नेचर में क्या क्या हो रहा है कौन सी कौन सी फिजिकल फिनोमिना हो रही है सनराइज सनसेट, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स है ना वॉल्केनों का फटना अर्थक्वेक का आना दिन का होना रात का होना पानी का बहना मोशन तो ये जितनी भी अलग 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 फिनोमिना है ग्रेविटेशन चीज़ों का ऊपर से नीचे गिरना सो देर आर मैनी सच यूनिवर्सल थिंग्स फिजिकली हैपनिंग अराउंड अस जिन्हें अगर हम पढ़ते हैं तो उसे क्या कहेंगे हम फिजिक्स तो फिजिक्स क्या है स्टूडेंट फिजिक्स ये हमारे साइंस की एक ब्रांच है फिजिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस वेर यू विल स्टडी लॉज एंड प्रिंसिपल दैट गवर्न यूनिवर्स वॉट इज फिजिक्स फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस वेर यू विल स्टडी अबाउट डिफरेंट लॉज एंड प्रिंसिपल जिससे हमारा यूनिवर्स चलता है यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हो रही है वो क्यों हो रही है कैसे हो रही है उसके पीछे का कौन सा लॉ है उसके पीछे प्रिंसिपल क्या है वो अगर आप पढ़ते हो तो इस सब्जेक्ट को हम क्या कहने वाले हैं फिजिक्स सो हाई आई होप सो आपको क्लियर हो गया कि फिजिक्स क्या है बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए यू गो थ्रू योर एन इंट्रोडक्शन आपको और भी अच्छे से आइडिया आ जाएगा कि फिजिक्स क्या है नाउ लेट्स मूव टू एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि भाई साइंस के अंदर कई सारे लॉज आपने पढ़ लिए न्यूटन uh, का लॉ अलग अलग लॉज ऑफ मोशन पढ़े स्टैंडर्ड एट नाइन्थ टेंथ अब तक आपने कुछ ना कुछ थोड़ा ना थोड़ा फिजिक्स तो पढ़ा है तो वो जो फिजिक्स के आपके लॉज है कोई भी एक थियरी है वो थियरी बनती कैसे है तो उसके लिए स्टूडेंट फर्स्ट हम पढ़ते हैं साइंटिफिक मेथड क्या पढ़ना है हमें साइंटिफिक मेथड कि भाई अगर कोई एक थियोरी आपको देनी है कोई भी एक प्रिंसिपल आपको कुछ पढ़ना है ऐसा तो नहीं है ना कि रातों रात मैं कुछ कह दूं और वो यूनिवर्सली एक्सेप्ट हो जाएगा न्यूटन ने अपने तीन लॉ दिए तो वो लॉ के पीछे उसने कई सारी चीज़ें दी थी तो कोई भी चीज़ अगर स्टूडेंट हमें पढ़ना है वॉट इज साइंस साइंस इज नॉलेज तो पढ़ने के लिए वो एक थियोरी समझाने के लिए कि भाई सन जब राइज हो रहा है तब दिन हो रहा है वो जब सेट हो जाता है तब नाइट हो जाती है सन उसके आजू बाजू अर्थ घूमता है अर्थ उसके आजू बाजू मून घूमता है सैटेलाइट घूमती है तो ये सब प्रिंसिपल पढ़ने के लिए इसकी थियरी देने के लिए क्यों ऐसा है क्यों सन के आजू बाजू अर्थ घूमता है तो उसका आंसर आया था ग्रेविटी ग्रेविटेशन का लॉ मिला तो वो जो लॉ आया कहाँ से उसके लिए कोई कुछ मेथड होनी चाहिए ना तो उसको हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड स्टूडेंट कोई भी चीज़ अगर आपको पढ़नी है तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या आना चाहिए इफ़ यू वॉन्ट टू स्टडी अबाउट एनीथिंग सबसे पहले आपके माइंड में क्या आना चाहिए जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पढ़ना है कि ये मार्कर ऊपर से नीचे गिरा क्यों ऊपर नहीं गया तो सबसे पहली चीज़ है आपने इसको ऑब्जर्व किया आपने देखा कि ये मार्कर ऐसे गिरा नीचे या फैन घूम रहा है रोटेट हो रहा है है ना स्टार्स ट्विंकल कर रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हो जब आपको कोई साइंस पढ़ना है आपको कोई चीज़ कोई आ, कोई फिनोमिना पढ़नी है तो उसके लिए सबसे पहली चीज क्या होती है ऑब्जर्व करना क्या करना आपको ऑब्जर्व करना तो जिसको हम का साइंटिफिक मेथड ये एक मेथड है इसमें हमें चार या पांच स्टेप्स दिए गए हैं ये स्टेप्स करने से एक आप पूरी थियरी बना सकते हो आप एक पूरी फिनोमिना को अच्छे से पढ़ के डिस्क्राइब कर सकते हो तो साइंटिफिक मेथड उसका फर्स्ट स्टेप क्या है स्टूडेंट ऑब्जर्वेशन कैसा ऑब्जर्वेशन साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन है ना आपको जो ऑब्जर्वेशन करना है जो चीज़ हो रही है ये मार्कर यहाँ से नीचे गिर रहा है तो फिर आपको ऑब्जर्व ये नहीं करना कि मार्कर का कलर कैसा है उस पर क्या लिखा है कौन सी कंपनी का है ऑब्जर्वेशन कई तरीके के होते हैं कैसा ऑब्जर्वेशन साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन कि ये ऊपर से नीचे गिरा इसकी डायरेक्शन क्या है इसकी वेलोसिटी क्या है इसका एक्सीलरेशन क्या है इसके ऊपर कौन से कौन से फोर्सेस लग रहे हैं तो आपने सबसे पहले क्या किया चीज़ों को साइंटिफिकली ऑब्ज़र्व किया उसको पढ़ने के लिए अच्छा एक बार आपने साइंटिफिकली ऑब्जर्व कर लिया कि अच्छा ये चीज़ हो रही है तो सेकेंड चीज़ जो हम लेते हैं वो है उसको हम रीज़निंग करते हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है या फिर हम उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं कि भाई ये यहाँ से यहाँ इतने टाइम में आया चलो मार्कर नीचे गिर रहा है कोई और चीज़ लेके देखते हैं क्या वो नीचे गिरती है और फाइंड हुआ न्यूटन ने ऐसा ही किया था उसने देखा कि एप्पल नीचे गिर रहा है यही कहानी हमें सुनाई जाती है ना कि न्यूटन पेड़ के नीचे बैठा था और एप्पल गिरते हुए देखा और फिर उसको ऑब्जर्व करने से उसके माइंड में आया कि ये एप्पल नीचे जा रहा है चलो दूसरी चीजें ट्राई करें क्या वो भी नीचे जाती है तो हर चीज ऑब्जर्व करने के बाद हम उसके ऊपर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करते हैं तो सेकेंड चीज आएगा कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट क्या करना है आपको एक्सपेरिमेंट करना है उस चीज़ को अलग अलग तरीक़ों से आप एक्सपेरिमेंट करोगे नीचे से फेंकेंगे ऊपर फेंकेंगे उसको घुमाएंगे जो भी चीज़ है उसके ऊपर आप क्या करोगे एक्सपेरिमेंट करोगे सेकेंड स्टेप में अच्छा अब आप आपने एक्सपेरिमेंट किया तो वो एक्सपेरिमेंट से कुछ कंक्लूजन्स मिलेंगे कि भाई अच्छा एक्सपेरिमेंट करके ये रिजल्ट आया ये रिजल्ट आया तो उसको आपको रीज़न देना पड़ेगा रीजनिंग करनी पड़ेगी तो जो थर्ड स्टेप होगा वो होगा क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग आपने पहले ऑब्जर्व किया फिर आपने एक्सपेरिमेंट करके देखा आपका एक्सपेरिमेंट के कुछ रिजल्ट्स आए उस रिजल्ट को आपने रीजन दिया कि अच्छा हाँ ये इसलिए हो रहा है ये इसलिए हो रहा है जैसे हम न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ही ले लें तो न्यूटन ने सबसे पहले क्या किया उसने एप्पल को नीचे गिरते हुए देखा तो उसने ऑब्जर्व किया फिर उसने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए और फिर उसने कंक्लूजन दिया कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी ग्रेविटी का कंसेप्ट दिया और उसने उसको क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज रीजन भी किया कि हाँ ये चीज़ ऐसे अट्रैक्ट हो रही है कहीं भी दुनिया में कोई भी छेड़े पे मास हो तो हर मास दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है तो उसने उसको क्या दिया रीजन दिया सो थर्ड स्टेप है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग अच्छा रीजन देने के बाद न्यूटन ने कोई फॉर्मूला भी दी हमें क्या फॉर्मूला दी थी एफ इक्वल्स टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर ये फॉर्मूला दी तो कोई भी थियरी हो वो बिना मैथमेटिकल इक्वेशन के अधूरी है आप देख लो फिजिक्स की जितनी भी ज़्यादातर थियरी है तो उसमें आपको मैथमेटिकल फॉर्मूला मिलेगा ही मिलेगा तो थर्ड थर्ड स्टेप था रीज़न करना फोर्थ होगा कि उसका मैथमेटिकल मॉडल बनाना वॉट इज फोर स्टेप टू गिव मैथमेटिकल मॉडल आपने पहले क्या किया थियोरी को कोई भी चीज न्यूटन की जो थियरी है ग्रेविटेशन की वो तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं हम कि साइंटिफिक मेथड टू स्टडी साइंस कोई भी साइंस कोई भी फिनोमिना पढ़ने के लिए आपको क्या आनी चाहिए साइंटिफिक मेथड हो सकता है भाई आप में से कुछ स्टूडेंट्स इलेवेंथ करे ट्वेल्थ करे फिर बी एस करके रिसर्च वर्क में जाए और रिसर्च वर्क में देखो कोई भी थियरी खत्म नहीं होती है आज तक दुनिया में ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है भाई हम सेटिस्फाइड हो गए अभी जो हमारे पास जितना नॉलेज जितना साइंस है जितना फिजिक्स है उतना ही नहीं अब देखो रोज के रोज़ नई नई थियोरीज इन्वेंट की जाती है जो पुरानी थी चीज़ें उसको और डेवलप किया जाता है टेक्नोलॉजी ऐसा तो नहीं ना कि पुराने ज़माने में टी की डिस्कवरी हो गई फिर उसके ऊपर नई रिसर्च ही नहीं हुई लोगों ने की रिसर्च की अलग अलग टी आए ठीक है फिर उसके ऊपर भी एल ई आ गए और हो सकता है अब तो आगे जाके इससे भी अधर कोई टेक्नोलॉजी आए तो वो टेक्नोलॉजी लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको अगर कोई नई चीज नई थिय लानी है तो साइंटिफिक मेथड आनी चाहिए सबसे पहले आप चीजों को क्या करोगे ऑब्जर्व करोगे न्यूटन ने जैसे ऑब्जर्व किया एप्पल को नीचे गिरते हुए ऑब्जर्व करने के बाद आप क्या करोगे उसके ऊपर कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट करोगे कंट्रोल एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको अल्टीमेटली उसके क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव क्या देने पड़ेंगे रीजंस देने पड़ेंगे कि ये चीज इस तरीके से इस तरीके से हो रही है एंड आफ्टर यू गिव दैट आपको क्या देना होगा मैथमेटिकल मॉडल बनाना पड़ेगा उसकी फॉर्म्यूला देनी होगी कि एफ इक्वल्स टू एम एफ इक्वल्स टू माँ अलग अलग फॉर्म्यूलाज मैथमेटिकल आपको देनी पड़ेगी और ये जो चार स्टेप है ये चारों स्टेप करने के बाद आपने जो थियरी दी है उसका प्रेडिक्शन होगा क्या होगा स्टूडेंट उसका प्रेडिक्शन होगा कि जो दी हुई थियरी है ये स्टेप भी राइट है ये भी राइट है ये भी राइट है और मैथमेटिकल मॉडल भी करेक्ट बैठ रहा है तो पूरा वर्ल्ड आपकी थियरी को एक्सेप्ट कर लेगा तो फाइनल स्टेप क्या होगा प्रेडिक्शन होगा प्रेडिक्शन एंड वेरिफिकेशन जो आपने मेथड दी है साइंटिफिक मेथड वो अगर सही है तो पूरी दुनिया उसे मान लेगी और अगर वो सही नहीं है तो उसे हम कह देंगे कि भाई आपकी थियरी कैसी है फॉल्स है सो वॉट इज द लास्ट स्टेप इन साइंटिफिक मेथड प्रडिक्शन एंड वेरीफिकेशन कि भाई आपने ये चारों चीजें की आपने कोई नई चीज़ ऑब्जर्व की न्यूटन ने एक नई चीज़ ऑब्जर्व की थी जो इससे पहले किसी ने नहीं की थी उसने देखा एप्पल नीचे गिर रहा है फिर उसने एक्सपेरिमेंट किया अलग अलग चीजों के ऊपर उसने रीजंस दिए उसने फॉर्मूला दी और जब ये फॉर्मूला एग्जैक्टली exactly हर चीज़ को एक्सप्लेन कर दे रही थी ये फॉर्मूला मैथेमेटिकली करेक्ट थी तो लोगों ने क्या प्रिडिक्ट किया लोगों ने क्या जजमेंट दिया दैट इट इज़ करेक्ट फार्मूला इसको हम एक्सेप्ट करते हैं तो ऐसे ही अगर कोई भी थियरी आती है इफ़ यू गो टू योर केमिस्ट्री लेवल एटॉमिक लेवल पे जाओ स्टूडेंट तो आपने ऑलरेडी नाइन्थ और नाइन्थ की केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है कि पहले डाल्टन की एटॉमिक थियोरी थी डाल्टन ने कहा एटम से छुट्टी कोई चीज़ नहीं है डाल्टन की साइंटिफिक मेथड से उसने जो थियरी थी सबने मान ली क्योंकि वो उस समय के लिए करेक्ट थी फिर लोग चुप नहीं बैठे अलग अलग साइंटिस्ट आते गए जे जे थॉम्सन आया उसने अपना एटॉमिक पाई मॉडल दिया उसकी भी थियरी साबित हुई फिर रथर ने कुछ कहा और फाइनली बोहर ने कहा कि और बोहर का जो हाइड्रोजन वाला एटॉमिक मॉडल है वो आज हम एक्सेप्ट करते हैं तो क्या होता है स्टूडेंट कोई भी थियरी दुनिया में आती है या कोई साइंटिस्ट कोई थियोरी पेश करता है देता है तो वो थियरी बनाने के लिए उसको ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं कि वो ऑब्जर्व करेगा फिर एक्सपेरिमेंट करेगा फिर उसको रीज़न देगा फिर उसकी मैथमेटिकल मॉडल बनाएगा अगर ये चारों की चारों चीज़ें सही है तो उसकी जो थियरी है वो करेक्ट है मैथमेटिकल स्टेप्स करेक्ट है और अगर उसकी थियरी इनकरेक्ट है मान लो वो यहाँ तक पहुँचा और कोई उसकी थियरी फॉल्स साबित हुई कि नहीं आपकी थियोरी में ये ये चीज़ें एक्सप्लेनेशन नहीं है तो वो क्या करेगा फिर से चेक करेगा कि भाई मेरी कहाँ 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 पे मिस्टेक है और वो नई थियोरी ला के दे देगा यही तो हुआ कि भाई डाल्टन ने जो कहा उसकी कुछ लिमिटेशंस थी उसको किसने कवर कर दिया जेजे थॉम्सन ने जेजे थॉम्सन की कुछ थियरी थी उसमें लिमिटेशन थी उसको रथरफोर्ड ने क्लियर कर दिया और रथरफोर्ड का जो मॉडल था वो भी करेक्ट नहीं था हंड्रेड उसमें भी कुछ लिमिटेशन थी तो वो थियोरी किसने दे दी बहर ने तो यही होता है दिस मेथड वी कॉल्ड साइंटिफिक मेथड टू स्टडी डिफरेंट साइंस फर्स्ट स्टेप इज साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन देन इज कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट then qualitative and quantitative reasoning, mathematical model and lastly prediction and verification or falsification. These are your five steps of scientific method. तो ये एक अलग क्वेश्चन था आपके एग्जाम में आ सकता है that explain scientific method. Clear? अच्छा. अब इसके बाद स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, तो एक क्वेश्चन आएगा कि फिजिक्स हमारा अल्टीमेट अभी हमें पढ़ना क्या है इसके अंदर जो हमारा सेकेंड पोर्शन है उसमें हमें पढ़ना है स्कोप ऑफ फिज़िक्स कि फिजिक्स का स्कोप क्या है तो उससे पहले स्टूडेंट हम ये पढ़ेंगे कि फिजिक्स पढ़ने के लिए दो नियम बनाए गए दो लॉज बनाए गए हैं और वो दो लॉज है पहला है यूनिफिकेशन और दूसरा है रिडक्शनिज्म कौन से दो लॉस पढ़ने स्टूडेंट आपको यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म ये दो लॉस पढ़ेंगे और फिर हम सेकेंड पोर्शन की ओर बढ़ेंगे सेकेंड पोर्शन है स्कोप ऑफ फिजिक्स तो ये दो लॉ बहुत ही सिंपल है यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म स्टूडेंट यूनिफिकेशन का मतलब होता है यूनिफाई करना यूनिफिकेशन का मतलब क्या है यूनिफाई करना यूनिफाई इन द सेंस एक करना यूनिफिकेशन का मतलब क्या है के जितनी भी अलग अलग फिनोमिना हो रही है उसके लिए कोई एक लॉ दे दो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर गिर रहा है नीचे किसकी वजह से ग्रेविटी की वजह से सन के आजू बाजू अर्थ घूमता है रिवॉल्व करता है किसकी वजह से ग्रेविटी की वजह से अर्थ के इर्द गिर्द मून रिवॉल्व करता है अलग अलग सैटेलाइट रिवॉल्व करती है तो ये सारी चीज़ों का आंसर कौन दे दे रहा है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो एक ही लॉ कई सारी फिनोमिना को एक्सप्लेन कर देता है तो इसे हम कहेंगे यूनिफिकेशन ऐसा नहीं है कि सन और अर्थ का जो रिवॉल्यूशन हो रहा है अर्थ के आजू बाजू मून का रिवॉल्यूशन ठीक है दूसरी दूसरी सैटेलाइट्स का रिवॉल्यूशन ये चीज़ का गिरना ठीक है डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो हो रही है उनके लिए अलग अलग लॉ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है एक ही लॉ ग्रेविटेशनल लॉ वो आपको इसको यूनिफिकेशन में एक्सप्लेन कर देता है सो so व्हाट इज यूनिफिकेशन कि आपका सिर्फ कोई एक लॉ सिंप्लीफाई करके सारी फिनोमिना आपकी एक्सप्लेन कर देगा तो उसे हम कहते हैं यूनिफिकेशन क्लियर स्टूडेंट और सेकेंड कंसेप्ट है रिडक्शनिज्म अच्छा यूनिफिकेशन का एक और एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं स्टूडेंट आपने स्टैंडर्ड टेंथ में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी मैग्नेटिज्म भी पढ़ा है ना स्टैंडर्ड टेंथ उसका चैप्टर नंबर ट्वेल्व चैप्टर ट्वेल्व था आपका इलेक्ट्रिसिटी और चैप्टर थर्टीन में था मैग्नेटिज्म तो आपने वो दो चीज़ें अलग अलग पढ़ी और ऐसा ही था जब डिस्कवरी की गई थी धीरे 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 जब साइंस बढ़ा तो लोगों को पता चला अच्छा ये इलेक्ट्रिसिटी है फिर पता चला ये मैग्नेटिज्म है इलेक्ट्रिसिटी की कई सारी फिनोमिना थी मैग्नेटिज्म की कई सारी फिनोमिना थी और मैक्सवेल नाम का साइंटिस्ट कौन मैक्सवेल इसका एग्जाम्पल आप याद रखना एक एग्जाम्पल तो आप क्या याद रखोगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक एग्जाम्पल क्या याद रखना यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कैसे चीजों को यूनिफाई कर रहा था कि भाई कई सारे अलग अलग फिनोमिना फिनोमिना यानी कुछ घटनाएं हो रही है जैसे अर्थ का सन के इर्द गिर्द घूमना अर्थ के आजू बाजू मून और सैटेलाइट का घूमना कोई भी चीज़ का ऊपर से नीचे की ओर गिरना तो ये सारे जितने भी फिनोमिना थे उसको कौन आंसर दे देता दे था, था सिर्फ एक लॉ यूनिवर्सल लॉ वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म ये दो अलग अलग पूरी चीजें हैं इलेक्ट्रिसिटी स्टूडेंट आपका जो स्टैंडर्ड ट्वेल्थ आप पढ़ोगे ना उसका पूरा सेमिस्टर वन इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म पे है आप सोच लो स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड उसका पूरा chapter, uh, 12 का पूरा चैप्टर का स्टैंडर किसके ऊपर है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म पे है तो मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट ने क्या कहा कि इलेक्ट्रिसिटी में कई सारे फिनोमिना है कई सारे कंसेप्ट है मैग्नेटिज्म के कई सारे कंसेप्ट है उसने कहा दोनों को अलग अलग पढ़ने की जरूरत ही नहीं है उसने यूनिफाई कर दिया कि इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म दोनों को मिला के उसने एक ही लॉ दे दिया इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म सो मैक्सवेल ने क्या किया स्टूडेंट मैक्सवेल ने अलग अलग चार इक्वेशंस दी कितनी इक्वेशंस दी चार इक्वेशन और वो सिर्फ चार इक्वेशन आप पढ़ लो तो पूरा इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है मैक्सवेल के चार इक्वेशन वो इलेक्ट्रोस्टेटिक इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो सभी कंसेप्ट के आंसर सिर्फ उसके चार इक्वेशन दे देते हैं जैसे अगर आप यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लो न्यूटन का तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दुनिया की कई सारी फिनोमिना यूनिवर्स में होने वाली कई सारी घटनाओं का आंसर दे देता है कि ये इसकी वजह से होती है वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का पूरा आप समझ लो कि पूरा ट्वेल्थ का आपका एक सेमिस्टर है कितने बड़े कंसेप्ट होंगे कितनी सारी उसमें फिनोमिना होती होगी तो उन सारी फिनोमिना का एक ही इक्वेशन एक ही लॉ दे दिया किसने मैक्सवेल ने कि अच्छा ये फिनोमिना ये फिनोमिना ये 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 ये, ये इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की जितनी भी चीजें होती है वो अलग अलग नहीं मैक्सवेल के सिर्फ चार इक्वेशन चैप्टर स्टैंडर्ड ट्वेल्थ में पढ़ेंगे वो चार इक्वेशन आपको क्या पूरा समझा देंगे सो so, मैक्सवेल uh, ने क्या किया यूनिफाई किया चीजों को यूनिफाई कर दिया सो दैट इज कॉल्ड यूनिफिकेशन एक ऐसा लॉ लाना या कम से कम लॉ में ज्यादा फिनोमिना को समझा देना तो उसे हम कहेंगे यूनिफिकेशन यूनिफिकेशन इज अटेम्प टू क्रिएट एंड एक्सप्लेन डिफरेंट फिजिकल फिनोमिना विथ वन लॉ और वन इक्वेशन एक या दो लॉ से हम डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग फिनोमिना को एक्सप्लेन करते जाए तो उसे हम कहेंगे यूनिफिकेशन क्लियर और सेकेंड जो है वो है रिडक्शनिज्म रिडक्शनिज्म ये है सेकेंड लॉ अच्छा रिडक्शनिज्म का मतलब होता है कि कोई फिनोमिना या किसी चीज़ का आपको वर्किंग पढ़ना है तो पूरा पूरा नहीं पढ़ेंगे हम उसको तोड़ते जाएंगे उसके कंपोनेंट में उसके अलग अलग हिस्सों में उसको डिवाइड करेंगे और फिर एक एक हिस्से को पढ़ लेंगे तो पूरी चीज़ का वर्किंग समझ में आ जाएगा जैसे क्लास टेंथ में आपने इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ा यू हैव गॉन थ्रू द टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर है ना बचपन में वो खिलौने वाली कार आती थी तो ज़्यादातर हम क्या करते हैं सबसे पहला काम क्या था एक या दो दिन वो कार को हम चलाते थे जो रिमोट कंट्रोल वाली कार आती थी वो कार को दो तीन दिन चलाते थे चौथे दिन तोड़ डालते थे खोल डालते थे उसके पुरजे पुरजे अलग कर देते थे, थे और वहाँ से वो छोटी सी एक मोटर निकलती थी तो वो जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो वर्क कैसे करती है तो वो वर्क करने के लिए हमने स्टैंडर्ड टेंथ में क्या किया वो मोटर को खोल दिया मोटर को खोल दिया तो हमें क्या क्या पता चला इफ यू रिकॉल दो मैग्नेट उसके बीच में रेक्टेंगुलर कॉयल उसको हमने स्प्लिट रिंग जिसको कम्यूटेटर कहते हैं ब्रश बैटरी उससे हमने कनेक्ट कर दिया है ना रिकॉल हो रही है वो फिगर इलेक्ट्रिक मोटर की इलेक्ट्रिक जनरेटर की कि दो मैग्नेट रखे हुए हैं, उसके बीच में रेक्टेंगुलर कॉयल है वहाँ पे हमने ब्रश रखे हैं, कम्यूटेटर रखा है बैटरी लगाई हुई है और फिर हमने क्या पढ़ा कि रेक्टेंगुलर कॉयल किस तरीके से काम कर रहा है मैग्नेट का क्या रोल है स्प्लिट रिंग का क्या रोल है ब्रश का क्या रोल है बैटरी में से करंट कैसे जाएगा फोर्स ऊपर लगेगी नीचे लगेगी तो हमने क्या किया एक इलेक्ट्रिक मोटर पढ़नी थी एक हमें बड़ी फिनोमिना पढ़नी थी वो फिनोमिना को एक साथ नहीं पढ़ा, उसके अलग अलग कंपोनेंट्स को पढ़ते गए और हमें मोटर का वर्किंग पता चल गया कहने के लिए तो बहुत ही इजी था दैट व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर उसका प्रिंसिपल क्या है इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी लेकिन मोटर का वर्किंग बहुत ही डिटेल में था डिटेल में इसलिए था क्योंकि वहां पे कौन सा कंसेप्ट लगा था रिडक्शनिज्म सो रिडक्शनिज्म क्या है स्टूडेंट रिडक्शनिज्म ये एक ऐसा अटेम्प है जिसमें हम कोई एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना रिडक्शनिज्म क्या है कोई कॉम्प्लेक्स फिनोमिना होगी कॉम्प्लेक्स फिनोमिना उसके हम अलग अलग कंपोनेंट्स को खोल के पढ़ेंगे कोई भी कोई भी फिनोमिना बड़े से बड़ी वो पूरी एक साथ नहीं पढ़ेंगे उसको हम अलग अलग उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स उसके कंस्टिट्यूएंट सिस्टम के कंपोनेंट्स को हम पढ़ेंगे और उनके कंपोनेंट को पढ़ते पढ़ते सारे कंपोनेंट्स आप पढ़ लो मोटर के तो आपको मोटर का वर्किंग पता चल जाएगा सो रिडक्शनिज्म इज कोई भी कॉम्प्लेक्स घटना हो रही है कोई भी कॉम्प्लेक्स फिनोमिना हो रही है तो कॉम्प्लेक्स फिनोमिना को पढ़ने के लिए उसके छोटे 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 अलग अलग कंपोनेंट्स को पढ़ते जाओ और सारे कंपोनेंट्स को आप पढ़ लो तो पूरी फिनोमिना आपको समझ में आ जाएगी सो आई होप सो आपको ये दो कंसेप्ट क्लियर हो गए यूनिफिकेशन रिडक्शनिज्म नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स मतलब कि फिजिक्स में आपको पढ़ना क्या है फिजिक्स के क्या स्कोप्स है क्या डिटेल बाइफर्केशन है फिजिक्स का तो फिजिक्स स्टूडेंट हम दो तरीके में पढ़ते पढ़ते हैं एक है मैक्रोस्कोपिक लेवल पे मैक्रो यानी बड़े लेवल पे जैसे रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन प्लैनेट्स का रेवोल्यूशन या फिर हो सकता है हमारे फैन का मोशन या कोई गाड़ी का मोशन यानी ऐसी चीज़ें जो बड़े स्केल पे है जो हम देख पा रहे हैं उनकी स्टडी हम कहाँ पे पढ़ेंगे फिजिक्स के मैक्रोस्कोपिक लेवल पर और माइक्रोस्कोपिक लेवल यानी भाई एटॉमिक लेवल पे, लेवल पे न्यूक्लियर लेवल क्या चीजें हो रही है वो हम कहाँ पढ़ने वाले हैं माइक्रोस्कोपिक में। तो फिजिक्स का वो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे और एक पढ़ाई होने वाली है माइक्रोस्कोपिक लेवल पेन स्टूडेंट एक पढ़ाई किस पे होने वाली है कंप्लीट पे और एक होने वाली है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अच्छा अब जो आपका ये माइक्रोस्कोप है ना उसको आप ऐसा समझ लो कि वो क्लासिकल फिजिक्स है क्लासिकल यानी जो ओल्ड फिजिक्स काफी जो अरसों से सालों से जो चलता आ रहा है ना फिजिक्स जो डिस्कवरीज हुई है वो है आपका क्लासिकल फिजिक्स जहां पर चीजें बड़े स्केल पे है और जो आपका ये माइक्रोस्कोपिक लेवल है उसको हम कहीं ना कहीं कहेंगे क्वांटम फिजिक्स यानी एक ऐसी फिजिक्स का ऐसा एक ब्रांच है क्वांटम फिजिक्स जहां पे चीजें बहुत ही स्मॉल लेवल पे एटॉमिक लेवल पे है तो उसे हम कहते हैं क्वांटम फिजिक्स सो व्हाट यू नीड टू स्टडी स्कोप ऑफ फिजिक्स में दो ही मेन क्लासिफिकेशन है मैक्रो माइक्रो एक को हम क्लासिकल फिजिक्स कहेंगे एक को हम क्वांटम फिजिक्स कहेंगे अच्छा क्लासिकल फिजिक्स में स्टूडेंट क्लासिकल फिज़िक्स इंक्लूड्स फोर मेन ब्रांचेस मैकेनिक्स थर्मोडाइनेमिक्स इलेक्ट्रो डायनेमिक्स एंड ऑप्टिक्स आपके क्लासिकल फिजिक्स में कितने मेन uh, आपको ब्रांच पढ़ने हैं चार आपको पढ़ना है मैकेनिक्स के बारे में थर्मोडाइनेमिक्स के बारे में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बारे में, में और ऑप्टिक्स के बारे में मिकैनिक्स और थर्मोडाइनेमिक्स ये हम पढ़ेंगे क्लास इलेवेंथ में आपका पूरा क्लास इलेवेंथ इसी में ख़त्म हो जाएगा क्लास इलेवेंथ का पूरा बाइफर्केशन आपके सामने है मिकैनिक्स पढ़ना है आपको और आपको पढ़ना है थर्मोडाइनेमिक्स क्लास इलेवेंथ खत्म और क्लास ट्वेल्थ में आप पढ़ोगे इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स एज वेल एज क्लास ट्वेल्थ में ही आप क्या पढ़ोगे माइक्रोस्कोपिक स्टडी यानी कि स्टूडेंट पूरा क्लास इलेवेंथ हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे ही पढ़ाई करेंगे क्लासिकल फिजिक्स का आधा हिस्सा क्लासिकल फिजिक्स यानी के मैक्रोस्कोपिक तो मैक्रोस्कोपिक की जो चार मेजर ब्रांच है मिकेनिक्स थर्मोडाइनेमिक्स इलेक्ट्रो और ऑप्टिक्स इसमें से ये जो दो ब्रांच है या आप कहाँ पढ़ोगे इलेवेंथ में तो इलेवेंथ पूरा मैक्रोस्कोपिक लेवल पर होगा और ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में ये दो ब्रांच मैक्रो की और ये माइक्रो ये आप पढ़ोगे कहाँ पे ट्वेल्थ में अब देखते हैं कि भाई किस में क्या क्या कंसेप्ट हमें पढ़ने हैं अगर आप मेकेनिक्स लोगे वैसे तो आप अपनी बुक का जब इंडेक्स देखोगे इलेवेंथ का भी इंडेक्स देख लेना और ट्वेल्थ का भी देख लेना और अगर आप चाहो तो स्टैंडर्ड ट्वेल्थ का जो हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर है वो भी देख लेना तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि इलेवेंथ और ट्वेल्थ में हमें फ़िजिक्स में पढ़ना क्या है इससे आपका फिजिक्स के लिए इंटरेस्ट और बढ़ेगा इलेवेंथ के फिजिक्स जिसमें आपका मिकैनिक्स है मेकेनिक्स में स्टूडेंट क्या क्या पढ़ेंगे हम कि भाई कितने टाइप के मोशन है कौन से कौन से मोशन है लॉज ऑफ मोशन क्या है ठीक है हम पढ़ेंगे वर्क, एनर्जी, मोमेंटम के बारे अलग चैप्टर हमें पढ़ना है फिर हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूड सॉलिड सब्सटेंसेस और फ्लूड उनकी क्या प्रॉपर्टीज है वो हमें पढ़नी है और वेव मिकेनिक्स अब इसमें से स्टूडेंट कई सारे कंसेप्ट ऐसे हैं ना जो आप ऑलरेडी नाइन टेंथ में पढ़ते आए हो है ना ग्रेविटी के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ा है लॉज ऑफ़ मोशन आपने पढ़े हैं मिकैनिकल वेव्स नॉन मिकैनिकल वेव्स ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी है तो अब ये जो चीज़ें अब हम पढ़ेंगे ना एकदम डिटेल में पढ़ेंगे सविस्तार एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हैं तो ये होगा आपका मिकैनिक्स फिर अगर हम जाते हैं थर्मो तो थर्मो में हम पढ़ेंगे हीट के बारे में थर्मो का मतलब ही होता है हीट थर्मल तो थर्मोडाइनेमिक्स इज ऑल अबाउट डायनेमिक्स ऑफ हीट हीट का क्या लेन देन है हीट से हमारे यूनिवर्स में क्या क्या चीज़ें हो रही है हीट टेम्परेचर थर्मोडाइनेमिक्स के अलग अलग रूल्स एंड लॉज काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस हीट इंजिनस पढ़ेंगे हम रेफ्रिजरेटर पढ़ेंगे देन वी विल सी कि हीट को ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं कंडक्शन कन्वेक्शन और रेडिएशन से सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्लास इलेवेंथ मैकेनिक्स पढ़ेंगे थर्मो पढ़ेंगे खत्म क्लियर देन मूविंग ऑन टू योर क्लास ट्वेल्थ तो ट्वेल्थ में इलेक्ट्रो में हम पढ़ेंगे चार्ज के बारे में जैसे ही आपका स्टूडेंट ट्वेल्थ स्टार्ट होगा ना ट्वेल्थ का पूरा पहला सेमिस्टर इसी के बारे में है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के बारे में है स्टैंडर्ड ट्वेल्थ का आपका ज़्यादातर पोर्शन पूरे सात या आठ चैप्टर वो किसके ऊपर है इलेक्ट्रो डायनेमिक्स के ऊपर है जहां आपको पढ़ना होगा चार्ज क्या है चार्ज के अलग अलग इंट्रैक्शन चार्ज से क्या क्या हो सकता है कूलम्स का लॉ डिफरेंट डिफरेंट लॉज रिलेटेड टू चार्ज चार्ज की प्रॉपर्टीज़ देन हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में इलेक्ट्रिक करंट के डिवाइजिज़ कौन से कौन से हैं और फिर पिक्चर में आएगा मैग्नेटिज्म पहले पिक्चर में आएगा ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में चार्ज के बारे में और फिर पिक्चर में कौन आएगा मैग्नेटिज़्म तो एक पूरा चैप्टर हम किसके बारे में पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म के बारे में फिर जैसे अभी हमने यूनिफिकेशन में पढ़ा था कि मैक्सवेल ने दोनों को कंबाइन कर दिया था तो हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक उनकी कंबाइन इफेक्ट भी पढ़ेंगे कहाँ पर इलेक्ट्रो में यहाँ हम डी करंट के बारे में पढ़ेंगे तो पूरा एक चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट के बारे में एंड फाइनली वी विल ऑल्सो सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सो ये हो गया आपका इलेक्ट्रो डायनेमिक्स अच्छा ऑप्टिक्स में क्या क्या पढ़ेंगे तो स्टूडेंट ऑप्टिक्स इज ऑल अबाउट फिनोमिनाज रिलेटेड टू लाइट स्टैंडर्ड टेंथ में पूरा चैप्टर था चैप्टर नंबर टेन लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है ना उसके बाद इलेवेंथ नंबर का चैप्टर भी था कि फिनोमिना रिलेटेड टू लाइट ट्विंकलिंग ऑफ स्टार रिफ्रैक्शन ठीक है कलर्स का फॉर्मेशन रेमबो का फॉर्मेशन स्पेक्ट्रम तो वो सारी चीज़ों को हम कहाँ पर डालते हैं पूरा एक पूरा ब्रांच बना दिया क्या ऑप्टिक्स तो ऑप्टिक्स क्या है ऑप्टिक्स इज ऑल अबाउट स्टडी ऑफ फिनोमिना रिलेटेड टू लाइट अब लाइट के कौन से कौन से मेजर फिनोमिना आ जाएंगे रिफ्लेक्शन प्लेन मीर से क्या रिफ्लेक्शन होगा रिफ्रैक्शन लेंसेज प्रिजम ये सारी चीज़ें हम देखेंगे फिर हम ऑप्टिक्स में ही अलग अलग ऑप्टिकल डिवाइजिस जैसे माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप उसके बारे में पढ़ेंगे तो हमारा मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स ख़त्म हो जाएगा क्लासिकल फिज़िक्स यानी कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ मैक्रोस्कोपिक बड़े लेवल पे उसकी मेजर कौन सी ब्रांच चार मैकेनिक्स थर्मोडाइनेमिक्स इलेक्ट्रोडाइनमिक्स और ऑप्टिक्स ये चार मेजर ब्रांच हमें पढ़नी है दो हम पढ़ेंगे इलेवेंथ में दो पढ़ेंगे ट्वेल्थ में और उसके साथ साथ ये जो आपका माइक्रोस्कोपिक है जिसको हम क्या कहेंगे क्वांटम फिजिक्स स्टूडेंट ये आपका मैक्रोस्कोपिक है उसको क्या कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स क्लासिकल फिजिक्स इन सारी चीजों के आंसर्स नहीं दे पाता था इसीलिए फिजिक्स की एक नई ब्रांच बना दी गई क्वांटम फिजिक्स क्वांटम फिजिक्स है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बहुत ही छोटे लेवल पे जाके अगर हम किसी चीज की फिजिक्स पढ़ते हैं तो उसे कहते हैं क्वांटम फिजिक्स तो ट्वेल्थ के अंदर ही हम ये माइक्रोस्कोपिक के भी ये कुछ कंसेप्ट पढ़ेंगे कि एटम क्या है एटम के अंदर क्या क्या होता है न्यूक्लियर प्रोसेसेस क्या है न्यूक्लियस क्या है न्यूक्लियस के अंदर और क्या चीज़ें होती है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की प्रॉपर्टी क्या है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का बिहेवियर क्या है और सेमीकंडक्टर डायोड सेमीकंडक्टर्स के अंदर हम क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट डिफरेंट डिफरेंट डायोड्स पढ़ेंगे अपने अगर सिंपल में कहूँ लैंग्वेज में सेमी यानी एल ई तो ये जो चीज़ें बन रही है वो कहाँ से बनती है सेमी से तो ये जो चार पाँच कंसेप्ट है एटम न्यूक्लियर फिजिक्स इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन का नेचर और सेमीकंडक्टर ये हम कहाँ पे पढ़ेंगे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे यानी कि क्वांटम फिजिक्स में ये है आपका पूरा 11, ट्वेल्थ फिजिक्स दिस इज द स्कोप ऑफ फिजिक्स स्टूडेंट आई थिंक इतना सारा जब आप देख लो तो आपके मन में अब एक्साइटमेंट आ चुका होगा कि यस वी नीड टू स्टडी दिस थिंग अब क्वेश्चन आर आई स्टार्ट हो जाएंगे कि अच्छा मोशन तो मोशन में क्या पढ़ेंगे सर हम लॉज ऑफ मोशन कौन से कौन से होंगे सर वर्क एनर्जी मोमेंटम क्या होगा है ना आपको अलग अलग क्वेश्चन आएंगे सर थर्मोडाइनेमिक्स की ब्रांच कैसे है क्या है सो दिस एवरी यू विल स्टडी इन इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ और इसी का एक क्वेश्चन आपकी बुक में डाल दिया है स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स मैक्रोस्कोपिक माइक्रो मैक्रो मतलब क्लासिकल फिजिक्स माइक्रो मतलब क्वांटम फिजिक्स क्लासिकल फिजिक्स के दो पोर्शन उसमें आधा आपका इलेवेंथ में आएगा आधा आपका ट्वेल्थ में आएगा और ट्वेल्थ में एडिशनल कौन आने वाला है क्वांटम फिजिक्स यानी कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अच्छा स्कोप तो हमने पढ़ लिया अब आएगा कि एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स एक्साइटमेंट ऑफ फ़िजिक्स मतलब कि ये जो आप पढ़ रहे हो ये पढ़ने के लिए क्या एक्साइटमेंट है आपकी क्या मनोकामना हो रही है कि हम फिजिक्स क्यों पढ़े ये इतना सब जब आप देख रहे हो तो कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट तो ऐसे ही आ जाएगा कि अरे वाह इतनी सारी चीज़ें हैं बट ये सब चीज़ें पढ़ने के पीछे कुछ रीज़न होना चाहिए ना तो रीज़न बड़ा सिंपल है कि भाई फिजिक्स पढ़ेंगे क्यों फिजिक्स पढ़ेंगे तो हमारे आजू बाजू जो फिनोमिना हो रही है उसको हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे तो एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स का पहला ही पॉइंट क्या है टू अंडरस्टैंड डिफरेंट फिनोमिनाज हैपनिंग अराउंड अस अब वो फिनोमिना को जब हम समझेंगे तो उस फिनोमिना को हम कंट्रोल करके नई नई टेक्नोलॉजी बना सकते हैं सो एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी है ना थर्ड हम क्या कर सकते हैं कि भाई जो चीजें हम पढ़ रहे हैं समझ रहे हैं उसको जब हम डेवलप करेंगे तो उससे हमारी लाइफ ईजी होने वाली है एंड फाइनली हम इससे फ्यूचर भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भाई फ्यूचर में और क्या क्या ला सकते हैं आप देखो तो पहले इतने बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे तो ये फिजिक्स ही था जिसको पढ़ के समझ के आज कंप्यूटर या लैपटॉप एकदम स्लिम हो चुके हैं एक हाथ में कैरी कर लो इतने पतले लैपटॉप आते हैं जबकि एक टाइम था कि पूरे पूरे रूम में कंप्यूटर रहता था इतना बड़ा कंप्यूटर था तो वो चीज़ को डेवलप करके एनहांसमेंट करके जिस स्टेज पर आज लेके आए हैं वो क्या है फिजिक्स नहीं तो क्या है है ना सो दिस इज फिजिक्स यही फिजिक्स का एक्साइटमेंट है कि इसको पढ़ के समझ के आप आगे इंप्लाई करके उसको यूज करके टेक्नोलॉजी में कई सारी चीज़ें आसान कर सकते हो तो ये हमारा जो क्वेश्चन था स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट uh, ले लो और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जहां पे हम क्या पढ़ेंगे फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग